हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ओर से एक नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। और यह जो अपडेट है वह सीजीएल का एग्ज़ाम जो था उसी को लेकर के है, जो कि टायर वन एग्ज़ाम हुआ था 2020 वाला, तो इसी को लेकर के यह अपडेट है। और इसमें जो अपडेट है वह पूरी तरीके से क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं। तो अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की अलोंग विथ कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट अब सीजीएल एग्जामिनेशन 2020 टायर वन। तो यह जो है आंसर की के साथ साथ कैंडिडेट्स का जो रेस्पॉन्स शीट दिया हुआ है सीजीएल एग्जाम के लिए उसी को लेकर के यह जारी कर दिया गया है, या आंसर की भी और साथ साथ रेस्पॉन्स शीट को भी जारी कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है यह कहा गया। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ उसको देखते हैं। तो सीबीटी जो था वह टायर वन का जो एग्ज़ाम था वह 13/8/2021 यानी कि 13 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक पूरे भारतवर्ष में अलग अलग सेंटर्स में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी को है। उसके बाद में यहाँ पे जो है कह रहा हुआ कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट एलोंग विथ सेंटर आंसर की आर नाउ अवेलेबल ऑन द लिंक गिवन बिलो। तो जो नीचे में लिंक दिया गया है वहाँ पर ये सारी चीज़ों को अपलोड कर दिया गया है। वहाँ पे द कैंडिडेट्स में लॉग इन एज पर द प्रोसीडर मेंशन थ्रू द लिंक प्रोवाइड बिलो। तो इसमें जो है आप लोगों को जो जो मांगा जाएगा उसी को लेकर के आप यहाँ पे लिंक में क्लिक करके जा सकते हैं अंदर में, फिर आप लोग वहाँ पर अपना देख सकते हैं जो भी आप लोगों को दिया गया है। इसके अलावा में जो है तीसरा अपडेट जो है उसमें है रिप्रेजेंटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टेंटेटिव आंसर की इफ़ एनी में बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 2 सितंबर 6 बजे से लेकर के 7 सितंबर के 6 बजे तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं 100 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आंसर की गलत दिया हुआ है अगर आप लोग वहां पर सबमिट कर सकते हैं 2 तारीख के शाम को 6 बजे से लेकर के 7 तारीख के 6 बजे शाम तक, और प्रति क्वेश्चन 100 रुपया आप लोगों को लिया जाएगा अगर आप लोग आंसर को चैलेंज करते हैं तब। इसके अलावा में जो है रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 6 PM ऑन 7/9 यानी कि 7 सितंबर को, अगर 6 बजे के बाद में अगर आप लोग चैलेंज देते हैं तो वो आप लोगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट्स में टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रेस्पॉन्स शीट एज द सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द एबव स्पेसिफिक लिमिट टाइम लिमिट। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप लोग यहाँ पे अपना रेस्पॉन्स शीट को प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, ले सकते हैं, उसके अलावा में आप लोग उसके बाद इस चीज़ को अपलोड नहीं कर सकते हैं, अपना डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट है। इसके अलावा में आप यहां पे देख सकते हैं अंडर सेक्रेटरी करके दिया गया है ये है, और ये जो ब्लू कलर का आप लोगों को लिंक दिख रहा है यहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक नया लिंक मिल जाएगा, और वहीं से आप लोग अपना रेस्पॉन्स शीट जो है और आंसर की जो है उसको देख सकते हैं, साथ साथ सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसको भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो आप लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके इस लिंक में, ये जो नीचे में दिया गया लिंक है यहाँ पर क्लिक करके आप अपना सारा चीज़ को कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए। तो जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट यहाँ पे आप लोगों को मिलती रहेगी। तो यह आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।